नमस्कार दोस्तों, सलामी बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर के शतकों के बलबूते हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें मुकाबले में बेंगलोर को 118 रन के विशाल अंतर से हराया। हैदराबाद की 231 रन के जवाब में बेंगलोर की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर समय नहीं गुजार सका और 113 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस मैच में विजय शंकर ने कमाल कर दिया। शंकर ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए एक ही गेंद पर 2 रन आउट कर दिए। दरअसल पारी के 19वें ओवर की 4थी गेंद पर उमेश यादव ने एक शॉट खेला और दौड़ पड़े और भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की फील्डिंग करते हुए गेंद को रोककर विजय शंकर की तरफ फेंका। शंकर ने भी फुर्ती दिखाते हुए अपने छोर की स्टंप उखाड़ दी और फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए गेंद कीपर की तरफ फेंकी और डायरेक्ट हिट लगाई। इस तरह दोनों बैट्समैन रन आउट हो गए। हालांकि क्रिकेट के नियमों के अनुसार सिर्फ एक ही बल्लेबाज को आउट दिया जा सकता है। रिप्ले में देखा गया कि दोनों बल्लेबाज आउट हैं, लेकिन क्योंकि ग्रैंडहोम पहले आउट हुए थे तो उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। इस तरह कॉलिन डी ग्रैंडहोम रन आउट हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आरसीबी की इस खराब प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत के हर ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।